नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नववर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा संवत 2081 युगाब्द 5126 9 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। नववर्ष शुभकामना शोभा यात्रा 8 अप्रैल को निकाली जाएगी। नववर्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष राम निवास मंडा, समन्वयक नथमल पालीवाल व संरक्षक डॉक्टर निर्मल गहलोत ने बताया कि नववर्ष 2081 के आगमन के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल से कार्यक्रम मनाए जाएंगे। 6 अप्रैल को कच्ची बस्तियों व गौशालाओं में सेवा कार्य किए जाएंगे। 7 अप्रैल को नववर्ष महोत्सव समिति द्वारा हनवंत गार्डन पावटा बी रोड में 6:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्नेह मिलन का आयोजन रखा गया है। अगले दिन 8 अप्रैल को शुभकामना शोभा यात्रा संयोजक हिमेंद्र गौड़, सह संयोजक डॉक्टर यश गोधा व जितेंद्र शर्मा के सानिध्य में शाम 4 बजे घंटाघर से रवाना होगी, जो सोचती गेट, नई सड़क, रेलवे स्टेशन, राजरण, छोड़दास जी का मंदिर, महात्मा गांधी अस्पताल जालोरी गेट, गोल बिल्डिंग, सरदारपुरा बी रोड, रानी जी का मंदिर, सरदारपुरा सी रोड होते हुए जलजोग होते हुए चौराहा पहुंचेगी। जलजोग चौराहा पर अखंड भारत माता मानचित्र पर दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और पूज्य संतों का आशीर्वचन होगा। सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष महोत्सव समिति के द्वारा एक 7 दिवसीय सेवा कार्य के माध्यम से भारतीय नववर्ष का संपादन किया जाता है, भारतीय नववर्ष को मनाया जाता है। और इसको समिति का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक घटक, समाज के प्रत्येक लोगों तक भारतीय नववर्ष की महत्ता और उसकी स्वीकारता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। उसके तहत 7 तारीख को साय स्नेह भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, छोटे बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी भी होगी और दूसरे दिन शोभा यात्रा की आयोजन किया जाएगा, जिसमें घंटाघर, नई सड़क से स्वस्ती गेट, जालोरी गेट, सी रोड, बी रोड, जलजोग चौराहे तक जाके संपन्न होगा। और इसके बीच में भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापारिक संगठनों के द्वारा शोभा यात्रा को अपने उनका स्वागत और अभिवादन किया जाएगा। और समापन पर 2081 दीप जलाकर भारत माता के चित्र पर उसको संपन्न किया जाएगा, भव्य आतिशबाजी के साथ संपन्न किया जाएगा। इस नववर्ष पर कुछ नए संकल्प भी लिए जाएंगे, समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने का संकल्प दिलाने का, संकल्प लेने का प्रयास किया जा रहा है। समिति के द्वारा ये जो कार्यक्रम है उसको जन जन तक पहुंचाकर जन जागरण का, जन चेतना का विषय बनाने का संकल्प किया है। इस बार पहले तो विक्रम संवत 2081 आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2081 के भव्य आगाज और स्वागत के लिए नववर्ष महोत्सव समिति विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यक्रम कर रही है। इस बार विशेष रखा है पंच जो सुविधा, इसमें कुटुंब प्रबंधन है, पर्यावरण है और सामाजिक समरसता है। और सामाजिक समरसता को लेकर के अनेक तरह के कार्यक्रम समाज के सभी घटकों को साथ लेकर के किए जा रहे हैं। समरसता, सामाजिक समरसता पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम हर बार हम सभी समाज के जितने भी हमारे हिंदू समाज के घटक हैं उनको सबको बुला करके, जो वरिष्ठ है उनके कार्यकारण उनको बुला करके हम नववर्ष जो सांस्कृतिक संध्या होती है उसे सभी घटकों को एक मंच पे ला करके साथ में स्टॉल लोडा करके और श्रीफल दे करके सम्मानित करते हैं और फिर उन सभी घटकों के प्रमुखों को एक साथ बैठा करके सामूहिक भोज का भी आयोजन करते हैं। यानी जो एक सामाजिक समरस जिस लक्ष्य के और हम करना चाहते थे आज वास्तव में सर्वव्यापक हो गई है। आज सामाजिक जो दूरियां थी वह धीरे धीरे इस प्रकार के प्रयोग से आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो जिस उद्देश्य के लिए सामाजिक समरसता में विशेष तरह से हमारा ये जो कार्यक्रम हो रहे थे और आज लग रहा है कि समाज वास्तव में सभी घटक एक दूसरे की दूरियां बना करके इस आयोजन को भव्य बनाने में सब सहयोग करते हैं। आपका परिचय नथमल पालीवाल, समन्वयक आयोजन समिति।